हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम डॉक्टर लॉजिक्स। आज की वीडियो में इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू द मॉडल्स पीरियोडिक टेबल इज इनकरेक्ट। तो देखो, फर्स्ट ऑप्शन है द पी ब्लॉक हैज सिक्स कॉलम्स। देखो सीधी सी बात है, क्योंकि पी में मैक्सिमम टू मैक्सिमम सिक्स इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो उसके अंदर सिक्स कॉलम्स होते हैं। ये हमने पढ़ा था ना कि जैसे एक पीरियड के अंदर दो एलिमेंट्स क्यों थे, फर्स्ट पीरियड के अंदर दो ही एलिमेंट्स क्यों थे, क्योंकि उसके अंदर सिर्फ एस ऑर्बिटल्स की फिलिंग हो रही थी, तो एस में दो इलेक्ट्रॉन आते हैं तो दो एलिमेंट्स थे। ठीक है, दो एलिमेंट्स मतलब हाइड्रोजन एंड हीलियम। ठीक है, तो पी ब्लॉक में सिक्स कॉलम्स हैं, मतलब सिक्स एलिमेंट्स आ सकते हैं साइड बाय साइड। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम टू मैक्सिमम पी में सिक्स इलेक्ट्रॉन आते हैं। डी ब्लॉक हैज एट कॉलम्स, ये गलत है। डी में टेन कॉलम्स होते हैं, थ्री टू ट्वेल्व, ग्रुप नंबर थ्री टू ट्वेल्व जो होता है वो डी ब्लॉक का होता है। क्यों? क्योंकि डी के अंदर मैक्सिमम टू मैक्सिमम टेन इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो उसके अंदर टेन कॉलम्स होते हैं अपने पास। तो स्टेटमेंट बी इज इनकरेक्ट। क्लियर? एंड बाकी ऑप्शंस भी एक बार फिर भी आप चेक कर लेते हैं। ईच ब्लॉक कंटेन्स अ नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन बी ऑक्यूपाइड बाय द सबशेल। बिल्कुल सही। डी के अंदर अगर 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, डी सबशेल के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो 10 कॉलम्स होते हैं। पी के अंदर 6, तो 6 कॉलम बनते हैं। इस तरीके से एस के अंदर दो ही इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो दो ही कॉलम बनते हैं। द ब्लॉक इंडिकेट्स वैल्यू ऑफ एजीमिथल क्वांटम नंबर एल। हाँ बिल्कुल सही, जो एस पी डी एफ बनता है वो एजीमिथल क्वांटम नंबर एल की वैल्यू से तो बनता है। अगर एल जीरो है तो एस, एस से तो हमने एस ब्लॉक नाम दिया। सिमिलरली एल वन अगर कभी किसी एलिमेंट का होता है तो पी ब्लॉक का एलिमेंट होता है वो। क्लियर? तो ये चीज़ें तो ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड है। तो सिर्फ स्टेटमेंट बी जो है वो इनकरेक्ट है, बाकी स्टेटमेंट्स एकदम सही। होपफुली आपको समझ आ गया। थैंक यू।